जब हम आईडी में थ्रेडिंग करते हैं या फिर होल के अंदर थ्रेडिंग करते हैं तो हमें इंटरनल थ्रेडिंग इंसर्ट की जरूरत पड़ती है। जब हम एक्सटर्नल थ्रेडिंग करते हैं या फिर जो है ओडी पर थ्रेडिंग करते हैं तो हमें एक्सटर्नल थ्रेडिंग इंसर्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर जब बात आती है कि आइडेंटिफिकेशन की, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जबकि दोनों इंसर्ट्स जो है देखने में सेम होती है। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो आईडी थ्रेडिंग इंसर्ट होती है उसके ऊपर जो है आपको आईआर लिखा हुआ मिलेगा और जो एक्सटर्नल थ्रेडिंग इंसर्ट्स होती हैं उसके ऊपर जो है आपको ईआर लिखा होगा, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इंटरनल थ्रेडिंग के लिए इंसर्ट यूज की जाएगी और या फिर जो है वो एक्सटर्नल थ्रेडिंग के लिए इंसर्ट यूज की जाएगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।